गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल डू वर्कशीट नंबर 3 ऑफ चैप्टर 11। आज हम साइंस में जो है चैप्टर 11 की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। आपकी प्रैक्टिस बुक में करनी है आपको। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द नाइट स्काई, फाइंड 3 कॉन्स्टिलेशन द ग्रुप्स ऑफ सम स्टार्स एंड ड्रॉ देम। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, ग्रुप्स ऑफ सम स्टार्स जो होता है उसे कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ड्रॉ करना है जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। ये पिक्चर दी है आपको, द सर्कल शो यू द साइजेस ऑफ द प्लेनेट रिलेटिव टू अदर प्लेनेट। ये जो सर्कल्स है इससे हमें क्या पता चल रहा है, प्लेनेट की साइज पता चल रही है। दे आर शोन इन करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द सन। ये इन्हें करेक्ट ऑर्डर में दिए हुए हैं। यहाँ पे ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो बाय टेकिंग क्लूज फ्रॉम द गिवन पिक्चर। ये जो क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं इनके आंसर हमें देना है। तो नेम द लार्जेस्ट प्लेनेट। तो सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो वो कौन सा है लार्जेस्ट प्लेनेट, सबसे जुपिटर। तो हमने यहाँ लिखा जुपिटर। विच प्लेनेट इज फार्थेस्ट फ्रॉम द सन, सबसे ज्यादा डिस्टेंस में जो है सन से वो कौन सा प्लेनेट है, नेपच्यून। तो हमने यहाँ लिखा नेपच्यून। विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, सन के सबसे ज्यादा क्लोज में कौन सा प्लेनेट है, मर्क्यूरी। तो यहाँ हमने लिख दिया मर्क्यूरी। व्हाट इज द अर्थ पोजीशन फ्रॉम द सन, सन से जो है वो अर्थ की पोजीशन क्या है। तो हम देखते हैं अर्थ की पोजीशन क्या है सन से, 1, 2, 3, थर्ड नंबर पे है अर्थ, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया थर्ड। नेम द प्लेनेट विच आर क्लोजर टू द सन देन द अर्थ। यहाँ हमें ऐसे प्लेनेट के नेम लिखने हैं जो किससे ज्यादा क्लोजर है सन से। तो कौन है वो, वीनस और मर्क्यूरी। तो यहाँ लिखना है वीनस और मर्क्यूरी। नेम द प्लेनेट्स विच आर बिगर देन द अर्थ। ऐसे प्लेनेट्स के नेम लिखने हैं जो अर्थ से ज्यादा बिगर है। तो वो कौन कौन से, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। विच प्लेनेट हैज द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट, कौन से प्लेनेट की स्मॉलेस्ट ऑर्बिट होती है, तो मर्क्यूरी। तो हमने लिखा मर्क्यूरी। विल द स्मॉलेस्ट प्लेनेट टेक द लीस्ट टाइम और द मैक्सिमम टाइम टू गो अराउंड द सन। मतलब जो स्मॉलेस्ट प्लेनेट है वो सन के अराउंड जाने के लिए लीस्ट टाइम लेता है, कम टाइम लेता है, ज्यादा टाइम लेता है। तो हमने यहाँ लिखा लेस्ट टाइम। नेम टू प्लेनेट्स विच टेक लॉन्गर देन द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये कौन से टू प्लेनेट्स है, जुपिटर और सैटर्न। विच प्लेनेट इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट, रेड प्लेनेट किसको कहते हैं, मार्स को। विच प्लेनेट हैज रिंग अराउंड इट, कौन से प्लेनेट में रिंग होती है, तो रिंग होती है सैटर्न में। यहाँ आपको दिख रही होगी सैटर्न में रिंग है, इसलिए यहाँ सैटर्न। विच प्लेनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कौन से प्लेनेट को कहा जाता है, वीनस को। विच इज द ओनली प्लेनेट नोन टू हैव लाइफ ऑन इट, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ है, जहां पर रहते हैं हम, तो वो कौन सा है, अर्थ। अब है स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पिक्चर को देख के हमें इसके आंसर देने। विच हेमिस्फेयर हैज विंटर, मतलब हेमिस्फेयर मीन्स होता है गोलार्ध, तो कौन से गोलार्ध में सर्दी होती है, तो होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इसलिए हमने लिखा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। विच हेमिस्फेयर हैज समर, कौन से हेमिस्फेयर में या कौन से गोलार्ध में गर्मी होती है, तो साउदर्न हेमिस्फेयर, इसलिए हमने लिखा साउदर्न हेमिस्फेयर। नेम द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फेयर, वो कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को डिवाइड करती है टू हेमिस्फेयर में, तो वो कौन सी लाइन है, इक्वेटर। विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज द अर्थ शोइंग दैट इज कॉजिंग सीजन, किस तरह के मूवमेंट से जो है हमारे पृथ्वी पर क्या होते हैं, सीजन होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। नेम द स्टार इन द पिक्चर, पिक्चर में जो स्टार दिया इसका नेम क्या है, सन। अब नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड्स इन द ग्रिड गिवन बिलो, वर्ड्स फाइंड करने हैं। द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, लूना, इसका मतलब मून होता है, इसको मून, तो इसको हमने यहाँ सर्च करके और सर्कल कर दिया। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ दैट कॉजेज सीजन, किस कौन से मूवमेंट की वजह से सीजन होते हैं, तो वो रिवॉल्यूशन, तो ये रहा रिवॉल्यूशन। मूवमेंट ऑफ अर्थ दैट कॉजेज डे एंड नाइट, अर्थ का जो मूवमेंट होता है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं उसे क्या कहते हैं, रोटेशन, ये रहा रोटेशन। डीप पिट्स ऑन द सरफेस ऑन द मून, मून की सरफेस पर जो डीप पिट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रेटर्स, तो ये रहा क्रेटर्स।
द स्टार्स क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ऐसा कौन सा स्टार है जो अर्थ से पृथ्वी से बहुत ज्यादा क्लोज है, तो वो कौन सा है, सन। तो ये लिख दिया हमने सन। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, ये सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में क्या है, सन, प्लैनेट, नेचुरल सैटेलाइट और एस्टेरॉइड्स। प्लैनेट्स में है टेरेस्ट्रियल और जोवियन। अब टेरेस्ट्रियल में ही आता है आपका मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और जोवियन प्लैनेट्स में आपके आते हैं जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। अर्थ में मूवमेंट्स होते हैं टू, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं, और रिवोल्यूशन की वजह से क्या होते हैं, सीजन होते हैं, जैसे समर, स्प्रिंग, विंटर और ऑटम, ये फोर सीजन होते हैं। तो ये आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में करनी है, वर्कशीट नंबर 3, ओके, साइंस की। थैंक यू।